కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని తొలిమేర్లు దాటే వరకు తరమార్చిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది మిత్రులారా. బాప్ ఏక్ నంబర్ బేటా దస్ నంబర్ తెలంగాణకు లూట్నే మే లగ్గే ఐసా బాప్ బేటాకు తెలంగాణకి తెలంగాణ సె భగానే కా వక్త్ ఆ గయే ఇసిలియే మేరా భాయో హైదరాబాద్ శహర్ మే ఔర్ ఏక్ నిజామ్ హే వో శాస్త్రిపురం పహాడ్ కే ఊపర్ హై యే ఐసా కహ రహే కి హైదరాబాద్ హమారా యే శహర్ హమారా. अरे बाबा आपका तो महाराष्ट्र है, सोलापुर से है, आप हैदराबाद के नहीं है. अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता. इस बार देखेंगे शहर किसका है, ये शहर में कौन जीतने वाले हैं. आप चोर के साथ बिता रहे, ऐसा चोरों के साथ बिताना छोड़ दो असद भाई. आप सोचो, क्योंकि बार बार लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि केजीआर साहब को जिताओ. क्यों भाई, क्यों जिताना? ट्रिपल तलाक में मोदी को मदद दी इसलिए जिताना, 370 आर्टिकल में पार्लियामेंट में वोट दी मोदी को इसीलिए जिताना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को मदद दी है इसीलिए जिताना, नोटबंदी में जीएसटी में नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट में खड़े रहकर उनको तारीफ किए इसीलिए केसीआर को जिताना. क्या असद भाई आप बोलो. हैदराबाद शहर में हम दिए मेट्रो रेल गावलीगुड़ा बस स्टैंड से फलकनामा तक 6 किलोमीटर का, वहां से 9 किलोमीटर एयरपोर्ट तक हम दिए. पुराना शहर में मेट्रो रेल रोकने के लिए केसीआर को जिताना. क्या मैं पूछ रहा हूँ असद भाई, किस लिए जिताना? क्यों इसके साथ है आप? यहाँ दिखा रहे कार का निशान, कार हैदराबाद गली से निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसते वो कमल पुल बन जा रहे. आपका हिस्सा क्या है असद भाई आप बोलो? जो मोदी का शागिरद केसीआर है, आप उनको क्यों शागिरद बन के उसको मदद कर रहा है? इसमें है सो साजिश. सोचो भाई, हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, असद वो ऐसे अगर उनके पार्टी जीत के लिए काम किए तो हमको कोई एतराज नहीं है. राजनीति में हर कोई उनके पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करेंगे, मगर इस बार चोर जैसा आदमी तेलंगाना को लूट लिए, 1 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, तो केसीआर को मदद दे रहा बोले तो इनका हिस्सा क्या है मैं पूछना चाहता हूँ. ये हैदराबाद शहर में कोई गरीबी को डबल बेडरूम घर मिला, कोई मुसलमान बच्चों को ऑटो मिला चलाने के लिए, कोई मुसलमान बच्चों को माइनॉरिटी कारपोरेशन में 1-2 लाख कुछ लोन मिला, फिर कुछ भी नहीं मिले तो केसीआर को क्यों जिताना भाई? मैं पूछना चाह रहा हूँ असद भाई, आप जवाब देना ही देना. आप ऐसे वैसे बात बोल के टोपी लगाने के लिए कोशिश किए तो हमारे मुसलमान भाइयों ने आज सब मालूम हो गए, और उन ये बात कह रहे कांग्रेस पार्टी को हरा दो. क्यों हराना भाई कांग्रेस पार्टी को? 4% रिजर्वेशन दिए मुसलमानों, इसीलिए हराना मुसलमान लोग कांग्रेस पार्टी को? इसलिए हराना? हमारे वक्त में हिंदू मुसलमानों को दोनों को जो जैसा हम संभाले हैदराबाद शहर में, मगर आज के तारीख में क्या हो रहा सोचो भाई. अंधके मित्रुलारा, ये राष्ट्रांगी पट्टी ना चीड़ा पीड़ा कलवकुंट चंद्रशेखर राव, ఈ చీడ పీడను వదిలించుకోవాలంటే ఈ 100 రోజులు మనందరం ఆకుంఠిత దీక్షతోని అయ్యప్ప